audio jungle. और सबसे पहले मैं मंच पे मौजूद तमाम जो हमारे गेस्ट हैं, आमानुल्लाह साहब जो एनजीओ के सदर हैं, शकील साहब हैं और मेरे साथ बाकी बनर्जी हैं, जाहिद हैं, और मंच पर बैठे हुए सबसे पहले मेरी जिनसे मुलाकात हुई हरीश चंद्र प्रसाद जी, वो मेरे बहुत ही अजीज़ रहे हैं, बहुत प्रिय रहे हैं। जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तब से मैं उनको जानता हूँ, उनकी एक्टिविटी को मैं देखता हूँ, इसीलिए मैं उनका उम्मीद रहा हूँ। और अभी भी जीवन संध्या के इस दौर में भी आकर वो इतने सक्रिय हैं, इतने एक्टिव हैं, मैं नमन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, इतनी सक्रिय धन्यवाद। और यहाँ की बेटी है आसनसोल शहर की बेटी, आगे बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पे अपने शहर का नाम रोशन करें। हमारा शहर छोटा जरूर है, आसनसोल शहर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं। एक और जानकारी आपको दे दूं कि हम लोग प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल की तरफ से हर वर्ष एवरी ईयर एक प्रोग्राम करते हैं, बंगाल एक्सीलेंस का जो प्रोग्राम, चूंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बंगाल एक्सीलेंस अवार्ड से उनको नवाजा गया। और इस बार मैं ऐलान करता हूँ कि हमारे बंगाल एक्सेलेंस अवार्ड में शहजाद सर की शागिर्द आप तमाम लोग भी मौजूद रहेंगे और मैं उनको जिम्मेदारी दूंगा। हमारे मंडल से एक बार हम फिर अब एक शाहबाज सर के एक और शागिर्द से बात करेंगे, सत्यम शर्मा। सत्यम शर्मा ने भी अपने इस छोटी सी उम्र में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, तो आइए जानते हैं सत्यम शर्मा से ही कि वो अब तक किन कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने हिस्सा लिया है और उनको अचीवमेंट्स, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। सत्यम, खास बात में आपका स्वागत है, आपको अभी एक अवार्ड यहाँ पे दिया गया, तो इस अवार्ड के बारे में जरा कुछ बताइए और ये अवार्ड आपको किस लिए दिया गया। इसे जीने में सहायता करता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक कसरत होता है, खेलकूद से आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतर हो सकती है, इसका जीता जाता सबूत हमारे सामने सत्यम शर्मा के रूप में खड़े हुए हैं। खास बात के लिए मैं पापी बनर्जी जाहिद अनवर के साथ आसनसोल। नमस्कार, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आसनसोल बलपुर शिल्पांचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आज हम आपको एक ऐसे ही प्रतिभावान कराटे प्लेयर से मिलवाना चाहते हैं जिनका नाम है पुष्पा कुमारी मंडल। इन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कुछ प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने अब तक किन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। IPS बनना, और मैं मतलब कराटे भी करना चाहती हूँ, जॉब भी करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि IPS बनना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती हैं, और ख़ास बात की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभेच्छा, शुभकामना कि ये जो भी करना चाहें इसमें ये कामयाब हो। यहाँ आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये वर्ल्ड पुना कुशी शोतोकान कराटे वेस्ट बंगाल संस्था की तरफ से किया जा रहा है, और ये ऑर्गेनाइजर बहुत पुराना मैंने आसनसोल में क्या पूरा पश्चिम बंगाल में है, और इसमें बाहर से भी कलकत्ता, मिदनापुर, सिवड़ी
आपका बर्दवान हुगली कल एक्स ऑफिसर है, उन्होंने भी इसका हमारा सहयोग किया इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम इस प्रोग्राम के जरिए से तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारे बच्चे मेडल के लिए ना आप भर्ती करें, बच्चों का शारीरिक व्यायाम और शारीरिक। मेरा नाम शहजाद हुसैन है, मैं पश्चिम बंगाल का चीफ वर्ल्ड